हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। शिक्षक वो है जो शिष्यों में बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक मूल्यों का संचरण कर सके, बोले आदिल शाहपुरी। वैशाली जिले से नसीम रब्बानी के साथ राजू कुमार की रिपोर्ट। वैशाली, महान शिक्षाविद, कुशल दार्शनिक, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में चेन्नई के तिरुउन्नतपुरम में हुआ था। आपके पिताजी का नाम वीर स्वामी और माताजी का नाम सौतममा और पत्नी का नाम शिवाकमु था। आप एक शिक्षक हैं और आज शिक्षक दिवस है, तो इस दिन आप अपने को क्या संदेश देना चाहते हैं और बच्चों के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले तो हम टोटल जितने भी शिक्षक के जाति के हमारे भाई हैं उनको आज के दिन में बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके साथ में हमारी शिक्षक के शिक्षिका बहनें हैं उनको भी आज बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ और लंबी आयु अच्छे शिक्षा देने के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी हुए और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जब इसका वाक्य है कि जब बच्चों ने उनके शिष्यों ने उनके भविष्य में गए पर्सनली कि सर मैं आपका ये जन्म दिवस मनाना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमारा अकेला क्या मतलब कि दिवस जन्म दिवस मनाओगे। अगर ऐसा होता कि इसको जो है सो पूरे शिक्षक जाति के नाम पर ये मनाया जाए तो बात यही आई, उनकी बात माना शिष्यों ने और ये 5 सितंबर को वो दिन शुभ घड़ी आया और उसी दिन से ये जो है सो शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं सारे शिक्षक पूरे देश में। सबसे पहले सन 1962 में शिक्षक दिवस मनाया गया, उसके बाद से ये कंटिन्यूस हमारे बीच में है। अब रही बात कि हम एक शिक्षक होने के नाते हम क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसा कि प्रश्न हुआ, तो एक शिक्षक शिक्षक को कहा जाता है जिसे ये राष्ट्र का निर्माता होता है, तो राष्ट्र को जो निर्माण करने वाला होगा उस शिक्षक को चाहिए कि इसे नैतिक तौर से बौद्धिक तौर से अपने आप में शिष्टाचारिक हो और उसके बाद उसका अनुकरण करते हुए बच्चों को एक अच्छा सा नागरिक जिसमें सामाजिकता हो, उसके बाद में व्यवसायिकता भी आना चाहिए, सामाजिकता असल में आना चाहिए जो हमारे एनवायरमेंट से आते हैं पर्यावरण से निकल के आते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बच्चा जो परिवेश से आता है और हम एक राष्ट्र निर्माता है तो उसके तौर पर उस बच्चे की देखभाल उसकी पढ़ाई शिक्षा शैली पर पूरी तरह से ध्यान हो ताकि हमारा सर्वांगीण एक शिक्षक यानी कि एक शिक्षक का अर्थ एक शिक्षा का अर्थ यही होता है कि जो शिक्षक वही अच्छा शिक्षक है जो सर्वांगीण बच्चों को विकास कर सके। तो हम शिक्षक होने के नाते जो ऐसा ऐसा हम चाहते हैं ये संदेश देना चाहते हैं हर शिक्षक के शिक्षिका बहनों को और शिक्षक के हमारे साथी को भी कि अपने तौर से उस बच्चे में सामाजिक तौर से न्यायिक तौर से और देश प्रेमी राष्ट्र प्रेम ये सारे गुणवत्ता को लेते हुए और उस बच्चे में उतारना चाहिए। तो उससे पहले एक शिक्षक को भी पूरी तरह नैतिक तौर से सामाजिक तौर से देशभक्ति के तौर से राष्ट्रभक्ति के तौर से होना अनिवार्य है और उसी को रूपांतरण करते हुए अपने बच्चों को अपने कक्ष में हो अपने परिवेश में हो इस चीज़ को उस पर दायित्व बनता है कि उस बच्चे को भी सामाजिक और न्यायिक तौर से अच्छा और सुदृढ़ बना सके। तब जा करके एक शिक्षक का उसका जो गरिमा है उसका जो एक जो सरकार हमसे एक आस और उम्मीद के साथ इतना खर्च कर रही है और गुणवत्ता शिक्षा की तरफ जो पूरा यहाँ की सरकार जो है नीतीश कुमार की सरकार जो है सो पूरी तरह व्यस्त है सारी फैसिलिटी इस पर दे रही है कि बच्चे को दिया जाए और शिक्षक भी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। हम इसी पक्ष में यहाँ की सरकार को भी धन्यवाद पत्र देना चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर हम भविष्य में या हमारा बिहार एक अच्छा शिक्षित बिहार बढ़ता बिहार
आगे की ओर ज्ञान। निश्चय बातों के साथ में हम फिर से दोबारा बधाई देना चाहते हैं तमाम शिक्षिका बहनों को भी और तमाम शिक्षक भाइयों को। जी आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम एजाज अहमद आदिल हुआ, प्रखंड चेहरा कला में एनएफसीजी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ और वहीं बच्चों को शिक्षा देता हूँ।